अस्सलाम वालेकुम अप्पी। वालेकुम अस्सलाम। पकड़ ली गिटार। अच्छा गुलूकार बनने के लिए रियाज की जरूरत होती है और रियाज के लिए बेस्ट टाइम है अलग सुबह। शोर मत करो, अम्मी उठ जाएंगी। अप्पी, हमारी माँ तो कब्र में सो रही है, अगर ये है तो नजमा अख्तर की, हम तो सौतेले हैं। ऐसी बातें नहीं करते, बगला कहीं का। फिर क्या करते? रियाज, अच्छा गुलूकार बनने के लिए रियाज की जरूरत होती है और रियाज के लिए सुबह का वक्त बेहतरीन वक्त होता है। जाओ जाओ जल्दी रियाज करो, जाओ। अब तुम इस दवा को बंद कर दो बेटा, इन पैसों से घर की कोई और जरूरत पूरी हो सकती है। घर की जरूरतें आपकी सेहत से ज्यादा नहीं है। मैं आज ही दवा बदलवा लूंगी। अभी आपने अभी तक मेरे जूते पॉलिश नहीं किए। अभी कर देखो, पहले मेरे कपड़े इस्त्री होंगे। मेरा कॉलेज ज्यादा दूर है, पहले मुझे जाना है। जनाब, मैंने पहले अपने शूज पॉलिश करने। नहीं, मेरे पहले कपड़े इस्त्री होंगे। भाई तुम लड़ो मत, तुम दोनों के तैयार होने से पहले सब काम हो चुका है। जरा जल्दी कर दे, इस पे जरा बटन भी लगा दे। अरे आशी, मेरे सर में भी तेल डाल जा। आशी बेटे जी, ये तुम इन लोगों के काम क्यों करते हो? ये कौन होते हैं जो तुम पर हुक्म चलाते हैं? मुझे इन लोगों का काम करने में खुशी होती है, क्योंकि ये कोई गैर नहीं, मेरे अपने हैं, मेरे अपने। Thank you.
खान साहब, एक मिनट का कह के आधा घंटा लगा दिया। खान साहब गर्मी के मारे बुरा हाल है, कब चलोगे? ओ मरे, तुम लोग किस वजह से शोर मचाता है? देखो जब तक हम अपना बेटी गुलबानो से नहीं मिल लेता है, उससे दो दो बातें नहीं कर लेता, हम नहीं जाएगा। ठीक है, खान बाबा। जीता रहो जीता रहो। आप यहाँ कैसे? वो हम इधर से जाता था, हम बोला गुलबानो से मिलेगा, तुम ठीक है? मैं ठीक हूँ खान बाबा। और हमारा यार मास्टर कैसे? अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है बाबा। ओए खुदा, इतने दिन हो गए आप घर क्यों नहीं आए? ओ बेटा आएगा आएगा। देखो मास्टर को बोलो खान दोस्त से बेवफाई अच्छा नहीं है, अगर तुम हमसे पहले मर गया तो हम तुमको कभी माफ नहीं करेगा। ये लो, ये तुम्हारे वास्ते लाया। अच्छा अभी हम चलते हैं। आप घर आइएगा। आएगा आएगा, देखो दाई बाबा। बैठो, मैं भी आया। तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो दोस्त, बस बाकायदगी से दो चार दिन दवा खाओ और घबराओ मत। उठो। बैठी रही है, क्या बात है, आज कुछ थकी थकी लग रही। 5 घंटे अगर आपको बच्चों से सर खपाना पड़े तो फिर मैं आपके मिजाज पूछूं। मानते हैं साहब, आपकी जॉब है बहुत टफ। हाँ मास्टर जी कैसे? इसी सिलसिले में आई थी, रात उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई थी, अगर दवा बदल दी जाए तो। चेकअप किए बगैर दवा कैसे बदल दूं? मैं आज उन्हें देखने आ जाऊंगा। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ। सुनिए, कॉफी नहीं पियेंगी? कॉफी? जी हाँ, ब्लैक कॉफी पसंद है ना आपको? कहाँ खो गई आप? मासी में। मासी याद है आपको? अच्छी तरह। और मोहब्बत की कसमें खाकर मेरी दुल्हन बनने का वादा, वो भी याद है? तो फिर ये वादा कब वफा होगा? जब मेरे भाई बहन पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे। कभी अपने मुतालिक भी सोच लिया करो, जब देखो भाइयों की फिक्र, जब सुनो बहन की प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम। तुमने तो घर वालों के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है। आई एम सॉरी आशी, मैं जरा जज्बाती हो गया था, लेकिन मैं भी क्या करूं, तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया। अगर इंतजार इतना ही मुश्किल है तो इसे खत्म कर दीजिए और आप कहीं और शादी कर लीजिए। बार साला दुनिया चैन नहीं लेने देता है, अंदर मच्छर नहीं सोने देता है साला। अपन साला किधर जाए नहीं? साला तुम जिधर भी है अच्छा है। ओए मेरा किस्मत, आ गया म्यूजिशियन, अब ये साला गिटार बजाएगा और अपन को बोर करेगा। अरे बाबू लोग सुनना ही पड़ेगा। साला यार जो है मिस्टर जानी, बोल क्या सुनेगा? अरे अपन तेरी बकवास तो नहीं सुनी, तू मेरे को बोल तेरा पॉकेट में कितना पैसा? 2 रुपए। आप दिन सुबह स्कूल जाते हुए जबरदस्ती जेब में रख दिए गए। यार आप इसे पैसे मांगते हुए कोई शर्म आती है? अरे बहन से 2 रुपए लेके आ गया, डूब मरने का मकाम नहीं? डूब मरने का मकाम तो है, इसलिए तो कॉलेज छोड़ दिया कि नौकरी मिल जाए और आप ही के कंधों से बोझ हल्का हो जाए। मगर यार अपनी किस्मत में नौकरी वोकरी तो है। अपन तेरे को बोलता है कि ये नौकरी वोकरी को सोचने का क्या फायदा, अपन तो बिजनेस करेगा। बिजनेस? बिजनेस? अबे बिजनेस के लिए भी तो माल वगैरह चाहिए कुछ। अरे अपन का बिजनेस के लिए जास्ती पैसा का जरूरियत नहीं है,
उस बिजनेस के लिए ये 2 रुपया बहुत है, इससे स्टार्ट हो जाएगा। अरे बाबा, अरे यार देखो मेरा बारी है यार, क्या करता अपन को धक्का गाय को मारता है बाबा। अरे मेरा दोस्त किधर है? शरीफ। अरे अबे छोड़ो यार, अरे मेरा दोस्त अंदर खड़े बाबा लोग कितना देर से मेरा। अबे नहीं अख्तर, मेरे हाथ पकड़ के इतना खींच यार, क्या करता है? अरे बाबू 2 टिकट दे दो, 2 टिकट बाबा। अच्छा अच्छा, अरे अपन ने ले लिया हर वक्त। अब रास्ता छोड़ो 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 रास्ता छोड़ो, हटो, अबे छोड़ मेरे को। अरे ना सुन, चला गया सर। अरे छुप के बैठा, अपन तेरे को बोलता बाहर निकलो, बाहर पकड़ ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चालू हो जाओ। क्या मतलब? अरे मत फिर कह के पूछता बाबा, देखो देखो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये तेरा ये अपन का, चलो दो का चाक। क्या मतलब है, मैं ब्लैक करूं? अरे शाला ब्लैक काहे को बोलता है, अपन इसको बिजनेस बोलता है। चलो चालू हो जाओ, दो का चार। भाई साहब टिकट चाहिए? बोलो कितने का? 2 वाला है, आप एक दे दीजिए। ले अपना 2 का 4 का 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 2 का
इंसान अपन को इधर इधर से पूरा करना पड़ेगा। नहीं दो का छह का, 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 दो का छह का। अबे और धामर इधर ब्लैक ब्लैक नहीं चलेगा। नहीं अरे तू अपन को ब्लैक व्हाइट बोलने वाला कौन है शाला? ए बड़ा मेजर का दादा है। नहीं अना हम इधर के दादी है। नहीं संतरी बच्चा ये दोनों ब्लैक करता बड़ा दारे। चलो थाने। अरे ये शाला बुलडॉग झूठ बोलते हैं। अपन बोलते थे कुछ दादा से दादा गिरी करता है। अपन की बात कर यकीन करो साहब जी, अपन प्लेकिया नहीं है, अपन तो आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट है, ये भी आर्टिस्ट है। ये देखो कितना भोला चेहरा है। कान पकड़ो। अभी तो कान बहुत लंबा हो जाएगा। तुम कान छोड़ दो। तुम कान पकड़ो। तुम मुझे श्रीफ आदमी लगते हो, आइंदा कभी ब्लैक नहीं करोगे। अपन को इस मुकद्दस बाप का कसम साहब जी, ये साला आइंदा ब्लैक नहीं करेगा। चलो कान पकड़ो। कान तो पकड़ो। मैं वादा करता हूँ थानेदार साहब, आइंदा ना मैं ब्लैक करूंगा ना मेरा दोस्त। ये हमारा पहला चांस था। सर जी अपन को इजाजत दो, कान छोड़ दे। अपन का तो कमर घुंघरू की तरह बजने लगे ऐसे। सीधा छोड़ दो। आइंदा कभी तुम किसी साल में करीब भी गुजरे तो मैं तुम्हें सीधा हालात में बंद कर दूंगा। अरे साहब क्या बोलते हैं, अपन कभी सिनेमा के करीब नजर ही नहीं आएगा।
अपन तो नजर आएगा सनमा के बोर्ड के ऊपर जिधर वो सबनम का फोटो लगा होता है। इधर रहेगा कि चलेगा? सलाम सलाम। इधर इधर। आज तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। आज तुमने थाना दिखाया, कल जेल दिखाएगा। अरे यार अपन तेरे को बोलता है कि आइंदा थाना वाले नहीं दिखाएगा। नहीं अपन तेरे को लाहौर वाला सानूर स्टूडियो दिखाएगा। नहीं जिधर तेरा जिंदगी बन जाएगा। अभी माफ कर, ये देखती है, माफ कर, मैं तेरे का हाथ जोड़ दे। अच्छा यार माफ किया। खैरियत तो है? आज बहुत खुश हो, क्या बात है जनाब? आज मेरा आखिरी पेपर भी बहुत अच्छा हुआ और आपके लॉन्ग स्टडीज कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? मेरे पास तो ये 20 रुपए हैं। अरे डियर अभी ये मेरे लिए 20 लाख के बराबर है। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। मेरी अम्मी ने आपके लिए चप्पल भेजी है। सुबह मेरी अम्मी ने आपको टूटी हुई चप्पल में देखा था। अच्छा बेटे आप इस महीने अपनी फीस मत लाना और अपनी अम्मी को मेरा शुक्रिया कह देना। अरे चप्पल तो अच्छी है, चलो तुम्हारी पुरानी चप्पल मैं पहन लूंगी। नहीं नहीं अम्मी आप यही ले लीजिए। नहीं नहीं बेटी अच्छा नहीं लगता। मेरी खुशी की खातिर। चल तेरे खुशी के लिए रख लेती हूँ, वरना दिल नहीं मानता। अम्मी नजमा अभी तक नहीं आई। अच्छा ये बताओ कल का क्या प्रोग्राम? भी कल मैं बहुत बिजी हूँ। सुबह मुझे बैंक जाकर 10,000 का चेक कैश करवाना है। फिर मुझे हेयर ड्रेसर के पास जाना है। अच्छा। 2,000 रुपए ड्रेसेस वाले को देने हैं और एक कॉस्मेटिक का बिल पे करना है। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझसे कुछ पैसे मांगे हैं, उसकी जरूरियात भी तो पूरी करनी है ना। हाँ। बस ये छोटे मोटे काम है। फिर मैं आ जाऊँ गाड़ी लेकर, तुम्हें आसानी रहेगी। नो थैंक यू, कल पापा की छुट्टी है ना, बस उन्हीं की गाड़ी दौड़ाऊंगी। नो थैंक यू, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। क्यों? समझा करो, मेरे डैडी लड़कों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ओके, एज यू लाइक। सुनो, तुम्हारे पास टूटा हुआ 100 रुपए होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं? मैं पर्स लाना भूल गई हूँ, टैक्सी का किराया तो देना ही है ना। ये लो, और ले लो। ठीक है, थैंक यू, मैं कल दे दूंगी। बाय बाय। बाय। मास्टर साहब कहाँ हैं? अपने कमरे में, लाइए। पहने दीजिए, आप पहले ही बहुत बोझ उठाए हुए हैं। जल्दी जल्दी सेहतयाब हो जाइए सर, वरना मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लोग सरेआम कहने लगेंगे कि कैसा निकम्मा डॉक्टर है, अपने मास्टर जी को तो ठीक कर नहीं सकता, हमारा इलाज क्या करेगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, ये आशी तो खामखा परेशान हो जाती है। इन्हें तो परेशान होने का शौक है सर, सिर्फ अपनों के लिए। आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? रहने दीजिए, आप जो भी पिलाएंगी कड़वा ही होगा। हेलो डॉक्टर। हेलो, कैसी हो? फाइन, लुकिंग वेरी स्मार्ट। थैंक यू। आप अपनी शादी कब करवा रहे हैं? जी ये तुम कॉलेज से अब लौटी हो? जी। क्यों? बस हो गई देर, किस किस को जवाब दूं? नजमा डांटिए डांटिए, इनके सामने क्या, पूरे मोहल्ले के सामने मेरी बेइज्जती कीजिए, कहिए कैसी बेटी आवारा है। अच्छा दफा हो जा। आई है क्यों डांट रहा मेरी बच्ची को, क्या किया है इसने जो इतना लाल पीले हो रहा? अच्छा सर मैं चलता हूँ, दवा भिजवा दूंगा। अच्छा बेटे खुश रहो। देखो नजमा हाथों से निकलती जा रही है, उसका कुछ करो। क्या किया
वो डॉक्टर से खामखा बेतकल्लुफ हो रही थी, वो शरीफ आदमी क्या सोचता होगा? उसने क्या सोचना है, वो तो आता ही नजमा के लिए, तुम्हारी बीमारी तो सिर्फ एक बहाना है। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ, डॉक्टर और नजमा एक दूसरे को प्यार करते। लेकिन मैंने तो डॉक्टर को आशी के लिए पसंद किया था। आशी से तो वो बात करना भी गवारा नहीं करता। मुझे गवारा नहीं कि अब तुमसे एक पल भी दूर रहूं, लेकिन अगर तुम्हारा रवैया मेरी तरफ ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हारा ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। बोलती क्यों नहीं? आप दवा भिजवा देंगे, ये नासिर से मंगवाऊं। दवा में भेज दूंगा। आप ही कल फीस देनी है, आज सिलाई के पैसे आ जाएंगे, सुबह फीस लेती जाना। नजमा, ये मेकअप ये परफ्यूम कहाँ से आए? मेरी फ्रेंड के डैडी लंदन से आए, वो मेरे लिए लेके आए। तुम्हें इन चीजों की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही प्यारी लगती हो, और अगर फिर तुम इन चीजों की आदी हो गई तो इस घर के हालात ऐसे नहीं कि हम तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकें। ये क्यों नहीं कहती कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते? मेरा ये मतलब नहीं है नजमा। रहने दीजिए, मैं इतनी बची नहीं कि आपकी बातें ना समझ सकूं। क्या हुआ बेटे? अम्मी मैं नहीं कल से कॉलेज जाऊंगी। क्यों बेटे? कॉलेज जाओ तो लड़की उनको टीचर कपड़ों का मजाक उड़ाती है, और अगर फीस मांगो तो आप ही के ताने सुनने पड़ते हैं। बेटे जिनका खाएंगे उनकी तो बातें सुननी पड़ेंगी। नासिर भाई को तो इन्होंने कभी डांटा तक नहीं। उसकी बात और है, वो इसका सगा है और तुम सौतेली। खुदा के लिए ऐसा ना कहिए अम्मी, मैं अख्तर और नजमा को नासिर से ज्यादा चाहती हूँ। मेहरबानी नजमा, तुम अपने कॉलेज की फीस माफ नहीं करवा सकती? नहीं नहीं अम्मी, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। नजमा, कल तुम्हें कॉलेज की फीस के साथ साथ अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे। थैंक यू। मेरे ख्वाबों की मलका, तुम्हारी चांद सी सूरत जब भी सामने नजर आती है देख लो मैं दुनिया की तमाम दीवारें तोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूं। आओ तुम भी मेरे करीब आ जाओ ताकि मैं तुम्हें समा जाऊं। ये चाहता है कि तुझे मेरा सांसी बंद कर दिया। अबे तुम मुमताज का है? अरे अपन को देवा मेरे मुमताज का है, मेरे को पूछना मुमताज का है? मुमताज एकदम जज्बात एकदम सारा पागल हो जाए। देख यार उसके इश्क ने मुझे दीवाना बना दिया है, हर तरफ मुमताज ही मुमताज नजर आती है। मुमताज नजर आता है तो अपना करेक्टर क्यों नहीं ठीक करता? ही साला ये जलने का भूख इधर से आ रहा है। वो कपड़ा कपड़ा दे दिया के नहीं? दे दिया साईं। शाबाश खुश हो जी जी। पंजे खर्चे ते चार अड़े 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 के रात हो बनी के रात हो किधर जाता है? अपन बिल्कुल फारिग हो गया, कोयला कर दिया। फारिग हो गया? तारीख नहीं लेगा क्या? तारीख 20 तारीख है। हाँ। भाई 20 तारीख नहीं, दिहाड़ी नहीं लेगा? अरे तो दिहाड़ी बोलो नहीं, तारीख तारीख क्या करता है शाला? अरे अरे पुटड़ा क्या करता है, गिराता है क्या? ये लो 15 रुपया, खुश है नहीं? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अरे वाह, वाले सलाम, खुश रहो यार। कमाल हो गया है, पैसा कमती और काम जास्ती, ऐसा नौकर किधर मिलेगा जी? नहीं। अरे ये क्या जलता पड़ा है जी? अरे क्या जलता पड़ा है? अरे क्या जला दिया, किधर गया? अरे घोड़ा रे, अरे हम तो मरेंगे, अरे अरे हम तो बर्बाद हो गया, अरे जल गया, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो। Thank you.
मिठाई कहाँ से आई? गलती से 15 रुपए कमा लिए थे। वैसे कभी कभी दिल खुश करने में क्या हर्ज है अभी? वैसे हमारे मुकद्दर कब जागेंगे? वो दिन कब आएंगे आप ही? यहाँ एक अच्छा सा घर होगा, नया फर्नीचर होगा, टीवी होगी, गाड़ी होगी और फिर अच्छे अच्छे कपड़े होंगे। आप ही एक दिन आएगा कि इस घर में एक दूल्हा आएगा और मैं अपनी प्यारी प्यारी आती को दुल्हन बनाकर इस घर से रुखसत करूंगा और फिर आप खामोश क्यों हैं? सोच रही थी नजमा के कपड़ों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। ओफो, आपको तो इन लोगों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। नाराज न हो भैया, नजमा के कपड़े पुराने हो गए हैं, वो काली जाती है, लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है। ये मजाक नहीं तो और क्या है आशी, तुम हर दूसरे दिन एडवांस मांगने चली आती हो। आई एम सॉरी, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे कहने के बावजूद अकाउंटेंट ने साफ इनकार कर दिया। आई एम सॉरी आशी। अपना काम कर, बड़ी मुश्किल से काम मिला है। अरे अपन तेरे को बोलते हैं, वो भी तो बड़ी मुश्किल से इधर आया है। नहीं कौन? अरे मुमताज, तेरे हीरोइन उधर शूटिंग करता पड़ा है। नहीं शूटिंग कहाँ हो रही है? सी साइड के ऊपर, अपन खुद देख के आया है। म्यूजिक के ऊपर ऐसा डांस करता पड़ा है, नहीं एकदम मसूक लगता है। आजा आजो आजो आजो।
मैडम, मैडम, सही कर। मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो कौन है आप? मैं आपका फैन हूँ। यस, सीलिंग फैन है। मैं इसका रेगुलेटर हूँ। आई एम सॉरी, मैंने नहीं पहचाना। अरे बाबा बात तो सही है बाबा, देखो। अरे मुमताज तो बात ही सुनता ही बाबा। ये देखो पीछे चमचा बैठा हुआ नहीं है ना, देखो तोता भी है। जानी ये पीछे तोता कौन बैठा था? तोता का एक बोलता बड़ा है बाबा। अरे वो डांस डायरेक्टर है नहीं, जो डांस करवाते हैं नहीं पिक्चर में। मेरे दोस्त मुझे चुटकी मार, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा था? सच में मुमताज से बातें कर रहा था? अरे क्या बोलता बड़ा है सारा। अरे तिरछा तो बात किया, अपन को तो आंख मार के लालू खेत का टेन दे दिया। बकवास बंद कर। ठीक है, उसको भी बैरे की जरूरत है। बैरे का नहीं, गुंगे का जरूरत है। ठीक है, but it's not very decent. क्या बुराई है इसमें? कोई खास कीमती नहीं है। मैं तो अपनी हैसियत से ज्यादा कीमती लाई हूँ नजमा, तुम्हें कैसा चाहिए? जिसे पहनकर इंसान की हैसियत अपनी हैसियत से ज्यादा लगे। हैसियत कपड़ों से नहीं, इंसान के किरदार से बढ़ती और घटती है नजमा। गरीब के लिए कपड़े तो तन ढापने के लिए होते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? यही है कि अच्छे कपड़ों की जरूरत तो बद किरदारों को होती है, और इनका किरदार तो बहुत ही ऊंचा है। जब ये घर से बाहर निकलती हैं तो लोग इन्हें झुक झुक के सलामें करते हैं। अम्मी, मेरा ये मतलब तो हरगिज नहीं था। अरे नज्जो, इसका एहसान कभी मत मानना। अगर जिस दिन हमने इसका एहसान मान लिया उसी दिन ये हम पर हुक्म चलाने लगेगी। इसे इसी तरह अपने नीचे लगाए रखो। आशी, आशी बेटे देखो तो कौन आया है। गुलबानो, वो गुलबानो। हाँ बाबा। ओ, ओ, हमारा गुलबानो। अरे अरे तुम रोते हैं किस वास्ते? बहुत दिन बाद मिले हैं इसलिए जी भरा है। अरे तुम हमको बोलो, हम इधर ही रहेंगे। देखे हम तुमको देखे, तुम तो हमको पहले से दुबला लगता है कि हमने तुमको किशमिश दिया, बादाम दिया, तुमने नहीं खाया है? हाँ, सब खाए थे। लगता तो नहीं है पर शायद खाया हो। आप तो हमेशा यही कहते। अरे किधर जाते हैं? बताइए तो भला, मैं आपके लिए क्या लेने जा रही हूँ? ओ, हमको मालूम है, हमेशा के माफे तुम्हारे लिए कावा लेने जाते हैं। कावा नहीं भूला नतीता। ए मास्टर देखो, हमारे वास्ते कावा बनता है तो तुम पीते है, अगर हम इधर नहीं आएगा तुमको कावा नसीब नहीं होगा। लो बच्चा, ये हम तुम्हारे वास्ते लाए हैं, सिर्फ तुम्हारे वास्ते। इसको तुम गाओ, जान बनाओ, इसको मत देना। बच्चा जो ओ मास्टर, ये हमारा गुलबानों का चेहरा पीला पीला किस वास्ते? क्या बताऊं खान, सारे घर का बोझ इसी के सर तो है। हाँ, ये हमारा मुल्क का बदबख्ती है, एक कमाता है सब बैठ कर खाते हैं। मैं पूछता हूँ मास्टर, तुम और ये दूसरा मुस्टंडर लोग काम किस वास्ते नहीं करता है? उसका हाथ क्यों नहीं बटाते? जरा सच्ची बात बोले, हमारा दिल करता है तुम सबको गोली मार दे। तुमको शर्म नहीं आता? मैं तो शर्म से हर रोज मरता हूँ मेरे यार, लेकिन इस नेकबख्त की मोहब्बत मुझे फिर जिंदा कर देती है। मैं क्या क्या करूं मैं, मुझे बीमारी और बुढ़ापा कुछ करने भी तो नहीं देती। हाय हाय, आप आए हैं। तभी तो मैं कहूँ ये कावा क्यों बन रहा है। एक तो चीनी नहीं मिले, ऊपर से चीनी का दुश्मन कावा। ओ, तुम बहुत चटर करता है। तुम गुलबानों का दुश्मन नहीं है, हमारा जान का भी दुश्मन। जालिम औरत
उस मासूम की तरफ देखो, उसका क्या हाल हो गया। और तुम अपनी तरफ देखो, हम पूछते तुम काम क्यों नहीं करते कि तुम्हारा ये चर्बी कम हो। क्या खान बाबा, अम्मी ही तो सारा काम करती हैं घर का, मैं तो सुबह स्कूल चली जाती हूँ। ये साधनों को तो इज्जत हजम ही नहीं होती। बस बस ज्यादा बात मत करो, हमारा दिल गुलबानों को देखकर पहले ही बहुत खपा है। ये हमारा घर है, आपको मत हमारे घरेलू मामलात में दखल देने वाले। हम तुमको बताते हैं हम कौन है, हम तुम्हारा खुदा के वास्ते। बड़ों से इस तरह बात करते हैं मेजबान? बड़ा कौन बड़ा, मेरी नजरों में ये एक मामूली आदमी है। भगवान मत करो, ये मेरा जितनी यार है तुम्हारा चाचा है। चाचा माय फुट, ये बच्चा में आपने मुझे थप्पड़ मारे, यू आपको काबू में रखो। अब कितनी मासूम बनी खड़ी है मेरी बच्ची को पिटवाकर, अब तो तेरे कलेजे में ठंडक पड़ रही है कमबख्त। मास्टर इसको समझाओ, खुदा का कसम अगर हमारा बीवी इतना जालिम होता तो हम उसका सलाम खींच लेता। बस कीजिए खान बाबा, आपको मेरी अम्मी से बदकलामी नहीं करनी चाहिए, मुझे आपसे ज्यादा इनकी इज्जत प्यारी है। जी ये ठीक बोलता है मास्टर, हम इसका क्या लगता है, वो तो इसका सगे वाला है। गुलबाना हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गया, हम तुमको ये बताने आया था हम वतन जाता है, वापस कभी आएगा नहीं आएगा कौन जानता है। अल्लाह तुमको खुश रखे, तो खुदा का मान है। समीर साहब के मार्केट में yes, ऐसा रुझान पाया जाता है कि बिजनेस करते हुए डर लगता है। मिस्टर अख्तर, ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कल सुबह आप अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाएं। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन ऐसा भी हुआ है। अम्मी मुझे दाखिल मिल गई। जनाब ये देखिए मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। खुदा का लाख लाख शुक्रिया। कहाँ मिली है? नेशनल सीमेंट डिपो में। आपको कैसे पता चला? उस डिपो का मालिक मेरा शागिर्द रह चुका है। आज सुबह इत्तेफाकन मिल गया, मैंने तुम्हारे बारे में बात की तो कहने लगा मेरे पास दरखास्त आ चुकी है, बस समझ लीजिए नौकरी पक्की। यानी आप ये बताना चाहते हैं कि ये सब आपके एहसान आपकी वजह से हुआ, इसमें मेरी तालीम और डिग्री सब फजूल थी। तू छोड़ बेटा, इन बाप बेटे की तो आदत है एहसान जताने की। तू चल मेरे साथ, चल मेरे बच्चे। अच्छा ये बता तनख्वाह कितनी मिलेगी? 700 रुपया और ऊपर की आमदनी का कोई हिसाब ही नहीं। अरे आहिस्ता बोल, अभी घर में यही जाहिर करना कि तनख्वाह 200 रुपये महीना। लेकिन क्यों? अरे पुत्रू, गुजर बसर आशी की तनख्वाह से होती रहेगी और तुम्हारी तनख्वाह मैं जमा करती रहूंगी। तुम्हारी और नजमा की शादी भी तो करनी है ना। लेकिन अब्बा तो कह रहे थे कि पहले आप ही की शादी होगी। उसका मकसद शादी कौन करेगा, शादी की भी एक उम्र होगी और वो उम्र उसकी गुजर चुकी। उसका मकसद शादी कौन करेगा, शादी की भी एक उम्र होगी और वो उम्र उसकी गुजर चुकी। आज बड़ी खामोशी है घर में। चलिए सब बेगम मिर्जा की बेटी की सालगिरह में गए हैं। ओ शुक्र है खुदा का कि हमें भी सुख का सांस लेना नसीब हुआ। अच्छे इन पहले पहले हाथों से, अरे ये आपकी अंगूठी कहाँ गई? मैं लोगों की खातिर आपने अम्मी की आखिरी निशानी बेच दी। बेच दीजिए, सब कुछ बेच दीजिए, अपना सुख अपना आराम अपनी खुशियां सब कुर्बान कर दीजिए लोगों पर। नासिर कभी अपने मुतालिक पे सोच लिया करो। मेरे लिए तू जो है सोचने वाला, सोचता है ना? हाँ। क्यों सोचता है भला? इसलिए कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरे सपने हो, कैसे तुम बिन जी पाएंगे, बिछड़े जो तुम मर जाएंगे। तुम मेरे अपने हो, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरे सपने हो।
सपने हो तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरे सपने हो। जल्दी से निकाल दे। मैं क्यों नाचे हूं, क्यों ऐसा बोलू? नासिर आखिर कौन होता है मेरे नए कपड़े पहनकर जाने वाला? यही तो मेरे पास नए कपड़े थे, रात को निकाल कर रखे थे कि सुबह नौकरी पर जाना है, पहला दिन है, नए कपड़े पहनकर जाऊंगा। और वो नवाब साहब पहनकर चलते बने। क्या हुआ बेटा, आखिर वो तुम्हारा बड़ा भाई है? वो मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। उसने मुझे जलील कराने की कोशिश की है, जानबूझकर मेरे नए कपड़े पहन गया ताकि मैं सुबह नौकरी पर ना जा सकूं। और इधर तो देखो कितनी मासूम बनी खड़ी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये क्यों बोलती है अम्मी, हर बात में इन्हीं की तो शय होती है। ऐसी हरकत अगर मैंने या अख्तर ने की होती है तो फिर आप देखती कैसे कैसे इल्जाम लगाए जाते हम पे। तुम्हारी जबान काबू में नहीं रह सकती। कौन सी कहावत आखिर,
नासिर आखिर कपड़े लेकर भाग तो नहीं गया? उस गुंडे बदमाश का क्या भरोसा, वो लंडे बाजार में जाकर बेच आएगा हमारा कहीं का। मैं तो अपने अस्तर पर उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। खुदा के खौफ से डरो बेगम, वो ऐसा लड़का नहीं है। घंटे दो घंटे की बात है, वापस आकर कपड़े उतार देगा। मैं अब उन कपड़ों में आग लगा दूंगा। मैं इतना जलील नहीं हूँ कि उसके उतारे हुए कपड़े पहनूं। तुम जाओ अख्तर भैया, तुम्हें देर हो रही है। नासिर आएगा तो आज मैं उससे बात करूंगी। सिर्फ बात करेंगे? इंसान के लिए तल्ख बात तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है, एक ही बार में कट के रह जाता है। कोई बदमाशी है? नहीं नहीं नहीं, बदमाशी नहीं, अपन लोग तो आर्टिस्ट है बाबा। जाइए आप, मुमताज बेगम आपसे नहीं मिल सकती। देखिए भाई साहब, हम लोग तो बात करना चाहते हैं। आप जाते हैं या होटल के इंतजामिया को बुला के आपको धक्के देकर होटल से निकलवा दूं? अरे बाबा, गर्मी का ही को खाता है, अभी थोड़ी देर बैठेंगे, चाय पियेंगे और चला जाएंगे। उनकी इजाजत नहीं है, एक बार कह चुका हूँ। अरे इसमें इजाजत की क्या बात करते हैं? क्या बात है, क्या शोर है ये? सर ये काफी देर से जबरदस्ती कर रहे हैं। मैडम वो आपसे कल मिला था ना, ये आपका सेक्रेटरी है ना, तीन घंटे से रोके हुए हैं। इडियट, शट अप, यू आर वेलकम। आपसे मिलने नहीं दे रहा था, कबूल कीजिए। शुक्रिया। मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, किसी फिल्म में गाना रखवा दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं बाद में काट दीजिए, कोई बात नहीं। शट अप। राइट, ये मेरा दोस्त है, इसे अदाकारी का बहुत शौक है, उल्टे सीधे मुकाबले में बोलता रहता है। अगर आप इजाजत दें, अपन तेरे को एक बहुत ट्रेजिक सीन करके बताएगा। बिहेव योरसेल्फ। ऑलराइट, देखिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। कुरैशी साहब आप इनका गाना सुन लीजिए, मुमकिन है इनकी आवाज अच्छी हो। भाई गाने के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये मेरा कार्ड लो, लाहौर आना, मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवा दूंगा, आगे तुम्हारी किस्मत। चलो मुमताज, शूटिंग में देर हो रही है। थैंक यू कुरैशी साहब। अभी अपन के पास अंदर को बैठी को जगह है। शट अप। सच्चे बोलते है साला, ये हीरोइन का चमचा है, हीरोइन दवाई पीता है इसके साथ। अबू अपी, मिल गया चांस, मिल गया चांस, मिल गया चांस। अपी हमारी मुसीबतों के दिन खत्म हो गए, अब मैं आपको नौकरी नहीं करने दूंगा। तुमने ये कपड़े क्यों पहने? इन्हीं कपड़ों की वजह से तो ये नहीं। अपी ये तुम्हारी उस भूल की सजा है जो तुमने अख्तर से पूछे बगैर उसके कपड़े पहन कर की है। अपी आप मुझे सजा जरूर कीजिए, लेकिन इतना बता दें क्या क्या भाई भाई के कपड़े नहीं पहन सकता? कपड़े पहनना तो दूर की बात है, तुम जैसे आवारा बदमाश का तो साया भी अख्तर पर नहीं पड़ना चाहिए। बोल पहले अख्तर के कपड़े। आशी बस करो, आशी बेटे बस करो। नहीं अब्बू, इसे कहे कि अख्तर से माफी मांगे, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगी। सुना नहीं तुमने, अख्तर से माफी मांगो। मुझे मालूम नहीं था कि कपड़ों के सामने रिश्तों की कोई हैसियत नहीं होती। बार बार रिश्तों का ढोल पीट कर साबित क्या करना चाहते हो तुम? कुछ भी नहीं, इस वक्त तो मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूँ अख्तर साहब। मगर ये कपड़े मेरे बदन से लगकर नापाक हो गए हैं, तो उन्हें फाड़ दीजिए, मैं तुम्हारा बनवा दूंगा। अभी इस काबिल तो हो जाओ, खुद अपने लिए तो कपड़े बनवा नहीं सकते, मुझे क्या बनवा कर दोगे? ये तो तुम ठीक कह रहे हो, इस वक्त तुझे खाली हाथ से तुम्हारे सामने बांध सकता हूँ, और या ये अपना सर तुम्हारे कदमों में झुका सकता हूँ। इन कदमों पे गिरने के बाद भी अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो याद रखना सारी जिंदगी ठोकरे खाते फिरोगे। जो लोग जिंदगी में जद्दोजहद नहीं करते, दूसरों के सहारे जीते हैं, उनकी जगह कदमों ही में होती है, कदमों ही में होती है। प्यारी आपी, मैं इस घर से जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको और अबू को मेरे घर छोड़ के जाने का बहुत दुख होगा, लेकिन ज़िल्लत बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अब मैं कुछ काबिल होने के बाद ही इस घर के दरवाजे पे कदम रखूंगा। आपका नासिर।
गया बेटे, इतनी परेशान क्यों? नासिर घर छोड़ के चला गया। नासिर घर छोड़ कर चले? नासिर आज फिर रो रही हो, कोई नई मुसीबत आई है क्या? नासिर घर छोड़ के चला गया। घर छोड़ के चला गया, क्यों? अख्तर से झगड़ा हो गया। न जाने कहां गया होगा। नासिर बच्चा नहीं, उसके लिए परेशान ना हो, आ जाएगा। आइए आइए बाबू अख्तर, आप और यहाँ? हाँ, मैंने सोचा खुद ही चल के मिलाऊं। अच्छा अच्छा, ये ले अपनी मिठाई, माल कल यही पहुंच जाना चाहिए। हाँ हाँ, पहुंच जाएगा। ठीक है, ये क्या ला रहे भैया? तुम्हारे लिए जूते और कपड़े। तू अंदर चल, सामने बैठिए, इसके सामने खुलेंगे तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके लिए भी तो चीजें लाया हूँ, तो चल। तू आशिक नहीं लाया? अरे रहने दे, वो इस काबिल है कि इतना कीमती कपड़ा पहने। लेकिन अम्मी, ये ज्यादा महंगे कपड़े तो नहीं है। कोई जरूरत नहीं है उसे देने की, तू जाकर मुंह हाथ धोकर खाना खा ले। अरे अक्सर एक बात बताओ, ये आजकल इतना माल कहां से आ रहा है? तुम्हारी तनख्वाह तो सिर्फ 700 रुपए है। मिस रिश्वत जिंदाबाद। अख्तर बेटे, रिश्वत हराम है बेटा, और मुसलमान हराम नहीं खाता। कोशिश करना आइंदा इस घर में हराम की कमाई न लाओ। तुमने हमें हलाल की कमाई में बड़े महल बनवा दी है। जिस दिन से मैं इस घर में आई है, एक दिन भी फूक का सांस नहीं लिया है। अब अगर खुदा ने हमारे दिन फेरी दिए हैं, तो तुम क्यों रास्ते की दीवार बनते हो? तुम अपनी आंखें बंद कर लो, आखिरी घड़ियां भी तुम्हारी सुख की गुजर जाएंगी। सुख की ऐसी घड़ियों से बेहतर है कि मौत की आखिरी घड़ी आ जाए। समझ में कुछ नहीं आता। क्या हुआ तो? अपनी असलियत दिखा रहे हैं ये लोग। अख्तर को नौकरी क्या मिल रही है? ये सब लोग तुम्हारे एहसानों को भूल गए बेटे। मैंने किसी पर एहसान नहीं किया था। मैंने जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था, और वो जो कुछ कर रहे हैं ये उनकी मर्जी। चले, तुम इन लोगों का मुकाबला कैसे कर लेती हो बेटा? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, ना फिर इस दोजख से निकल गया। वो जहाँ कहीं भी गया है, परवरदिगार उसे खुश रखे बस। ओ, खाना खराब का बच्ची, तुम फिर अंदर जाती है? इधर ठहरो, इधर बात करो। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे तबीयत बनी? अल्लाह का करम है। बच्चा किधर है बाबा? बच्चा मुल्क गया हुआ है। ओ, आप तो बरबर हो गए होंगे। और सब ठीक है? बस आगे आगे से उठो, चलो। ओ, खाना खराब फिर अंदर जाती है? इधर ठहरो, इधर बात करो। ओ, खान साहब क्या करते पड़े नहीं बाबा, अपन को अंदर काम है। क्या काम है? आप वो कुरैशी साहब नहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो अपन को बुलाया बाबा। हाँ, उनके साथ काम है बाबा, उन्हें बुलाया। सबूत है? सबूत? खान साहब कार्ड तो गुम हो गया। जाओ, तुम भी कार्ड के साथ गुम हो जाओ। खान साहब, हम लोग सिंगर हैं। अभी अपन शाला इधर गाना सुनाएंगे तो सारी दुनिया को पागल कर देगा, शिदाई कर देगा। ए, तेरी को गाना सुनाए, चल शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। ना ना बाबा, हमारा दिमाग खराब मत करो। अच्छा बाबा, अपन का दिमाग खराब नहीं करो, अंदर जाते हो। अस्सलाम वालेकुम। ए, तुम घड़ी घड़ी अंदर जाती है, इधर बात करो। अरे घड़ी घड़ी अंदर नहीं जाएंगे तो सारे सिंगर कैसे बनेंगे? नहीं, ये मुल्क का बहुत बड़ा सिंगर बनने वाला है। नहीं, क्या बात है? ये खुशबू कैसी है? ये खुशबू किधर से फैलती है? बाय गॉड, इधर कोई होटल है? हाँ, सामने होटल तो है, मगर जेब खाली है प्यारे। ये कोई नया बात है शाला? फिर क्या बात है? कोई बात नहीं, अपन इधर से नहीं उठेगा, अपन इधर ही बैठा रहेगा, इधर ही जान दे देगा, भूखर ताल करेगा। अपन का लाश गल सज जाएगा, अपन का लाश को कुत्ता खा जाएगा, अपन का लाश कमेटी वाला उठा के ले जाएगा। तू जा साला।
इसके बावजूद तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। हाँ अपन को खाना नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, खाना आसमान से थोड़ी उतर के आएगा। अरे तो आसमान वाला अपन को ऊपर क्यों नहीं उठा लेता? ऊपर खाना खिला देना। अरे जरा देखो कितना लजीज और नंगा मुर्गा लटकता पड़ा है बाबा। ठीक है मगर चलो, मैंने सोच लिया। क्या? आज मैं अपने दोस्त की खातिर अपने फन को अपने फन को फुटपाथ पे बेचूंगा। सुनकर मेरे लोग रुक जाएंगे, गीत सुनकर मेरे लोग रुक जाएंगे, झूम जाएंगे दिल सर भी झुक जाएंगे। इश्क ही इश्क हूँ, राज ही राज हूँ, आज के साज पर कल की आवाज हूँ। प्यास है जिंदगी, आस है, प्यास है, आस है, प्यास है। आज के साज पर कल की आवाज हूँ, आस है जिंदगी, प्यास है जिंदगी, आस है, प्यास है, आस है, प्यास है। सलाम। वालेकुम सलाम। अरे द
दाढ़ी वाला वो लोग आप वही है ना, अपन भी वही। अरे अपन प्रॉमिस पूरा करो नी। अच्छी तरह याद है वैसे होटल में तुमने शोर बहुत मचा रहा है ना। वैसे बर्फदार तुम गाते बहुत अच्छा हो माशाल्लाह। थैंक यू रहते कहाँ हो? अपन घोंसले में है जी। हमारा कोई घर नहीं, कोई जमीन, कोई नहीं, कोई नहीं। आपको अपना वादा याद है ना? जरूर जरूर। वैसे मैं झूठ नहीं बोलता, तुम गाते बहुत अच्छा हो। आओ मेरे साथ। ये मेरा सामान गाड़ी में रखो नी। आओ भाई आओ, बैठो, इसे अपना घर समझो। क्या पियोगे? अपन पिएगा कुछ नहीं बाबू लोग, अपन को भूख लगता पड़ा है। अपन का पेट में तो चूहा भागता है, इसका पेट में बिल्ली है। नहीं सर, ये ऐसी बकवास कर रहा है, हम लोगों को भूख नहीं है। क्या बोलता बड़ा बाबा, अरे तकल्लुफ काहे को करता है? अभी साहब जी के घर में बैठे, वो फुटपाथ पे थोड़ी बैठे। इसका इंतजाम भी हो जाएगा, डोंट वरी। नासिर मियां, आज आपका गाना सुना, बहुत लुत्फ आया। इससे अच्छा गाना मैंने पहले कभी नहीं सुना। मेरा दिल कहता है एक दिन तुम बहुत बड़े सिंगर बनो। थैंक यू सर। और तुम्हें कामयाब सिंगर बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँ। जब तक कामयाबी तुम्हारे कदम नहीं चूमती, तुम मेरे यहाँ मेहमान रहो। Why not? एकदम चुमेगा बाबा, क्यों नहीं चुमेगा जी? बैरा जी, साहब जी। अरे भाई बच्चे लोगों के लिए खाना लगाओ। अंकल बहुत अच्छा वाला आदमी है। बॉबी डार्लिंग, तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो मैं बदल के रह गई। मम्मी डैडी हैरान है मुझे क्या हो गया है। तुम बता देती कि मुझे बॉबी से प्यार हो गया है। मैंने बता दिया। फिर मेरी पसंद के सामने किसी को इनकार तो नहीं, बस बड़ी बहन की प्रॉब्लम है और वो भी आज हल हो जाएगी। क्या मतलब? भाई आज कुछ लोग हमारे घर उसकी इंगेजमेंट के सिलसिले में आ रहे हैं। उसकी शादी हो गई, फिर मेरी बारी। अच्छा चलो चले। ओके डार्लिंग, चले। तुम मुझे जालिम समझते हो, आशी और नासिर की सौतेली माँ कहते हो, मगर मैंने उन्हें कभी गैर नहीं समझा। मैं जानता हूँ तुम उन्हें कितना अपना समझते हो। तंज मत करो, अगर मुझे आशी का ख्याल ना होता तो मैं कभी उन लोगों के ताल ना पकड़ती जो इस वक्त बाहर बैठे आशी का इंतजार कर रहे हैं। आशी का इंतजार क्यों? वो उसे देखने के लिए आए हैं। मैंने सारी बात तय कर ली है, बस वो रस्मी तौर पर आशी को देखेंगे और तुम्हारे यहाँ के बाद आशी को दुल्हन बना कर अपने घर ले जाएंगे। कितने मूल वक्त हो तुम, जब तक तुम्हें आशी की जरूरत रही तुमने उसकी शादी के मुतालिक सोचा तक नहीं। आज कुछ अच्छे दिन आए, अख्तर को नौकरी मिल गई है तो तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहती हो। लेकिन याद रखो, रिश्ता अगर मेरी और आशी की पसंद का ना हुआ तो मैं साफ इनकार कर दूंगा, समझी? साफ इनकार कर दूंगा। बड़ी हूँ, बड़ी बैठा रखी है घर में। अरे समझते क्यों, जैसा मिलता है जो मिलता है खामोशी से कबूल कर लो, वरना पछताओगे। मेरा क्या? सोने का भाव बहुत तेज चल गया। अगर बाजार गई थी तो दर्जी से ही आती, जरा कपड़े का पता चल जाता। आओ बेटी बैठो, कॉलेज से आई हो? आप लोग कौन है? हम कौन है इसका तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तुम शायद? ये मेरी बेटी नजमा है। अच्छा, हमें पसंद है। जी जी, शायद आपको गलत फहमी हुई है, जिसे आप देखने आई है ना वो तो आशी है, इसकी बड़ी बहन, स्कूल में उस्तानी है। लीजिए वो खुद आ गई। ये है मेरी बेटी आशी। माफ कीजिएगा बहन, हमें तो नजमा ही पसंद है। क्यों रूही? बिल्कुल, हम तो नजमा को अपनी बहू बनाएंगे। आप लोगों ने अपनी शक्लें देखी है कभी? वो बात दरअसल ये है कि हमने नजमा के लिए लड़का चुन लिया है और वो है डॉक्टर। नजमा और डॉक्टर एक दूसरे को पसंद करते हैं। माफ कीजिएगा, हमारे बेटे को बेबी की जरूरत है, आया कि नहीं? खुदा हाफिज़। मुंह हाथ धोके कपड़े बदल कर आ जाती तो तुम्हारा क्या जाता? इतनी मुश्किल से तो मैंने तुम्हारे लिए ये रिश्ता तलाश किया था। आखिर आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों है? मुझे नहीं करनी शादी, आप यकीन कीजिए
मैं आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। जी बेटे। अबू, खुदा के लिए मुझे अपने कदमों से अलग न कीजिए। जहाँ जी चाहे रहो, मगर नजमा का क्या होगा? जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, नजमा की शादी भी नहीं हो सकती। नजमा की शादी जरूर होगी। आप ही तो कह रही थी कि डॉक्टर आमिर और नजमा एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो तो एक दूसरे पर जान छिड़कते। फिर देर किस बात की है? आप उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? उनसे बात करने के लिए तुमसे ज्यादा मुनासिब हस्ती और कौन है? आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। नहीं आशी, नहीं, मैं नजमा से शादी नहीं कर सकता। बहन भाइयों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब तुम मेरी जिंदगी वीरान करना चाहती हो? नहीं आमिर, मैं तुम्हारी वीरान जिंदगी में बाहर लाना चाहती हूँ। नजमा बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें इतने खुशियां देगी। आशी, तुम्हारे बगैर मेरे लिए हर खुशी नामुमकिन है। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। तुम अपना वादा तोड़ सकती हो आशी, मैं अपना वादा नहीं भूल सकता। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं कि सब कुछ भूल जाना पड़ता है। तुम कुछ भी कहो, मैं नजमा से शादी करके अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकता। तुम तो कहते थे तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो, एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? मैं तुम्हारे लिए जान तो दे सकता हूँ आशी, लेकिन जो तुम कहती हो वो नहीं कर सकता। नजमा तुमसे मोहब्बत करती है, उसका दिल टूट जाएगा। शादी ना करूं तो एक दिल टूटेगा, और अगर शादी कर लूं तो किस किस का दिल टूटेगा ये सोचा है तुमने? साहब ने खत भेजा है। खत? आशी, मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात को अपने लिए हुक्म समझा है, लेकिन आज तुम्हारे इसरार के बावजूद मैं तुम्हारे संग मिल अपनों के लिए अपनी मोहब्बत का गला ना घोट सका, लिहाजा मैं तुम्हारा शहर छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन इतना याद रखो, अगर मेरी कोई दुल्हन बनेगी तो वो आशी के अलावा कोई नहीं होगी। ये मेरी ख्वाहिश ही नहीं, मेरी जिद भी है। शर्म नहीं आती किसी के घर में आए हैं? अरे अपन को क्या बोलते, हर वक्त खाता रहता है, खाता रहता, अपना खाता, अपना मेहनत का कमाई खाता है, उस शोले का काम नहीं करेगा क्या? तुम नीच से बात क्या कर, तो इस वक्त सेक्रेटरी है। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? अभी कालीन के ऊपर चलता, इसको अपना समझ लिया साला? अरे मेरी एहसान बन गया क्या? अरे काय को भूलता है, अभी तू गली में गाने वाला कीड़ा, रींगने वाला कीड़ा। शट अप। अरे अपन तेरे को बोलते हैं, अपन को छटा बटन नहीं बोलो, अपन उसको बोल देगा कि इसका गला खराब है, वो दोनों के पीठ पे ठुड्डा मार के फुटबॉल करके दाढ़ी वाला बाहर निकाल देगा, बहुत इंसल्ट हो जाएगा अपन तेरे को बोलता है। नासर मियां। जी सर। भाई नासर मियां, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जी। कल तुम्हारे गाने की रिकॉर्डिंग है, और वो भी ओपनिंग सॉन्ग की। अच्छा। हाँ, और जानते हो ओपनिंग सेरेमनी कौन अदा करेगा? जी कौन करेगा? बोबड़ा शरीफ। नहीं नहीं, तुम्हारी पसंदीदा हीरोइन मुमताज अदा करेगी। खुश हो गया साला? काश ये खुशखबरी मैं अपनी आपियों को सुनाता। बच्चों, कल ये नजम आपको याद करके आनी है, ठीक है? क्या हुआ मिस? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। मैं आपको सहारा दूं? तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी।
नजमा, मुझे मेरे कमरे तक ले चलो, मेरी सब तबीयत खराब हो रही है। अब आपको भी नखरे आ गए, मुझे देर हो रही है। मम्मी प्लीज आती को उनके कमरे तक ले जाए, उनसे चला नहीं जा। क्या बात है, मेरे सब दर्द हो रहे हैं अभी। देखो देखो देखो, उल्टी मत करना, गंगे से आंखों को सख्त चिड़ है। कहाँ हो, आकर देखो आशी को क्या हो गया है। आशी, बेटे, आशी, क्या हो गया इसे? पूछ लेना, मैं मिसेस बेक के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। आशी, आशी बेटा, क्या हो गया इसे? अरे शाला, नर्वस होता पड़ा है। अरे अपन तेरे को बोलते हैं आज तेरा तकदीर का फैसला हो जाएगा। अभी तेरे को बोलते हैं कि खुल के गाओ साईं अख्तर हुसैन का मोफिक। हाँ, नर्वस होने को कोई जरूरियत नहीं। अरे ये टांग कांपते उधर बैठ, इधर बैठो, बैठो बैठो। रात देगा वक्त नहीं आई, बड़ा हो गया। चलिए चलिए, वालेकुम सलाम, आइए। जवाब नहीं तुम्हारा, ही वक्त पर आइए, गाना बिल्कुल तैयार है, ले चलिए आइए। ये है मिस्टर नासिर, हमारे नए सिंगर। आपको याद होगा आउटडोर में आपने इनसे मुलाकात करवाई थी। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। मुबारक हो आपको नासिर, आज आपका पहला गाना रिकॉर्ड है। दुआ कीजिए मैं कामयाब हो जाओ। गुड लक। थैंक यू। आइए मुमताज बेगम, ओपनिंग कीजिए प्रोग्राम का। मतलब आइए जी, प्लीज चलिए, बस घबराना नहीं है। लीजिए बिस्मिल्लाह की। स्टार्ट साउंड स्टार्टेड, रेडी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अलामना प्रोडक्शन, सॉन्ग नंबर वन, टेक नंबर वन। रेडी, वन टू थ्री फोर। तेरे नाम दिल का ये पैगाम, तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम दिल का ये पैगाम। आंखों में एक सपना है, दिल की एक तमन्ना है, फूल नए
के पैगाम तेरे तेरे होठों पर लहराएंगे गीत मेरे, हर पल तेरे होठों पर लहराएंगे गीत मेरे। कोई के सिवा अब मीत मेरे, प्यार भरी आंखों के लिए मैं तेरी रातों के लिए एक दिया बन जाऊं, हो तेरे लिए मैं गाऊं साथी सुबह हो शाम तेरे नाम। नासिर मियां मुबारक हो, तुम्हारा गाना इतना मकबूल हुआ है कि बच्चे बच्चे की जबान पर रेडियो टीवी हर तरफ तुम्हारे गाने की धूम है। आज तुम्हारे सेक्रेटरी ने 8 नई फिल्में साइन की हैं। सेक्रेटरी साहब को एडवांस दो। सर ये सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है। नहीं बेटे, ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है। अच्छा तुम लोग आपस में बातें करो, मैं जरा फोन करके आता हूँ। थैंक यू सेक्रेटरी। ए साला क्या बोलते हैं सेक्रेटरी सेक्रेटरी, अपन तेरी को बोलते हैं एक दिन हम बहुत बड़ा एक्टर बनेंगे, नहीं फिर अपन का डेरी तेरे पास होगा। चल ऐसा माफी बोलो न यार, मैंने अपने दिल में अहद किया था जब तक कुछ बन नहीं जाता आप ही को खबर नहीं होने दूंगा। यार ये सब पैसे आप ही को मैनेज करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ये मनियाने किसने भेजा है? नासिर ने लाहौर से। अच्छा अच्छा मेरे बेटे ने, लो मुझे दे दे जल्दी से। यहां पे शाम को आशी के पास भी बैठ जाया करो, बेचारी की तबीयत खराब है चारों से, कह रही थी सर में दर्द हो रहा है, तुम जाकर मेरा उसके सर में तेल डाल दो। मैं किसी के बाप के मुलाजिम नहीं हूँ जो सर में तेल डालती फिरूं। तुम बाप बेटे को सजा के दीवार। अख्तर बेटा जी, तुम्हारी आप ही बीमार है बेटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए। वो तो ठीक है लेकिन जो कहना कहिए बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हारी आपकी के लिए फल या डॉक्टर की फीस। ओहो तो यूं कहिए आपको पैसों की जरूरत है। देखिए मैं कोई डाका नहीं डालता, जो आपने सारे घर की जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर डाला। लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कैसी हो बेटी? ठीक अबू,
आपने अफसर से पैसे क्यों मांगे? हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कल से स्कूल जाऊंगी, मुझे दवा की जरूरत नहीं है, दवा की जरूरत नहीं है। नहीं बेटे, ये बात नहीं दी। अबू आप रो रहे हैं, मत रो। मैं अपनी बेबसी और तुम्हारी ये परेशानी देखकर रो रहा हूं। जो कुछ तुमने इन लोगों के लिए किया बेटा, काश ये उसे भी याद रखते, काश ये उसे भी याद रखते। आप कहां जा रहे हैं? अपने दोस्त खान के पास। अपनों से तो वैर अच्छे हैं। आप उन्हें मेरी बीमारी का ना बताइएगा, उन्हें सुनकर दुख होगा। मैं तो उसे सिर्फ इतना बताने जा रहा हूं बेटा कि अगर उसका कोई मिलने वाला लाहौर जाए तो नासिर को तलाश करे। हेलो, नजमा, इट इज फॉर यू। ये रिंग मेरे प्यार का हकीर तोहफा है। ओह थैंक यू रॉकी। मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं, मगर ये मैं जरूर रखूंगी। अभी पिछले दिनों डैडी बैरूत गए थे, वहां से दो चार ऐसी रिंग्स लाए थे, वो सब मैंने ज्वेलरी बॉक्स में रखती, मगर ये रिंग मैं हमेशा पहनी रखूंगी। ये हमारे प्यार की निशानी है। थैंक यू। क्या ख्याल है, किसी इंग्लिश मूवी पे ना चला जाए? जरूर चलेंगे, लेकिन पहले किसी होटल में लंच कर लें, बड़ी भूख लग रही है। क्या ख्याल है? ख्याल बुरा नहीं है। अंधे हो, दिखाई नहीं देता, पता नहीं कहां से चले आते हैं पागल कहीं के। गलती हमारी है नजमा। नजमा, तुम? ये बुढ़ा तो तुम्हें जानता है नजमा? हाँ, किसी जमाने में ये हमारे यहाँ मुलाजिम था। ये लो बाबा, ये रुपए रख लो, खून काफी बह गया है, दूध वगैरह पी लेना। ये नोट अपने पास रखो, तुम हम गरीबों का खून बहाकर अपनी दौलत के सहारे बच जाते हो, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, गलती मेरी है। बुढ़ा हूँ ना, दिखाई नहीं देता, तेज रफ्तार गाड़ी को आते हुए देख नहीं सका। ये मत पूछ, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मैं गरीब हूँ, बेकार हूँ, लेकिन तेरा कौन हूँ? ये कैसा सवाल है? जवाब तुझे इसी सवाल का देना होगा। तुम मेरे शौहर हो? शौहर हूँ तो फिर तेरी कोख से जन्म लेने वालों का बाप कौन है? ये तुम अब पूछ रहे हो जब हमारे बच्चे जवान हो गए? इसलिए कि मुझे एहसास इस बात का आज दिलाया गया है। आज तेरी बेटी एक आवारा नौजवान के साथ गाड़ी में जा रही थी, तकदीर मुझे एक नया जख्म देने के लिए उसके सामने ले आई। मैंने बाप बनकर आवाज दी तो वह अपने दोस्त से बोली, ये मेरा नौकर है। आज उसने बाप बेटी के उस नाते को यूं खत्म कर दिया। मेरा खून तो ऐसा नहीं था। मुझे बता, ये तेरी तरबियत का असर है या तेरे दूध की तासीर है? मेरी तरबियत को ताना देने के बजाय पहले अपनी हालत पर तो नजर डालो। एक फैशनेबल लड़की तुम जैसे को बाप कहकर क्या किसी बड़े घराने की बहू बन सकती है? तेरी बेटी ने बड़े घर का ख्वाब देखने के लिए अपना बाप बदला है। अब तुम मुझे ये बता दे
कि तू अपना जोहर कब बनेगी। तेरा बेटा रिश्वत लेने लगा है, तेरी बेटी बड़े घर जाने के लिए परपुर्जे निकाल रही है। तू तो बड़ी नसीबों वाली है, अब तुझे मेरी क्या जरूरत है? अपनी बेटी की कमाई समेटकर चली गई आगे, मैं तुझे मार दे आशी। ये मेरी माँ है। नहीं आशी, इसे माँ कहकर माँ जैसे मुकद्दस रिश्ते की तोहीन न कर। ये तेरे बाप की दुश्मन है आशी, और तेरे बाप की दुश्मन तेरी माँ नहीं हो सकती। नहीं अबू, आपका दिल तो बहुत बड़ा था, आप तो दुख सहना जानते थे, ये आज आपको क्या हो गया है? मेरी हिम्मत जवाब दे गई है बेटी। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे अपने इस घर से नहीं जाएंगे। नहीं आशी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए, अगर आपने अपनी जिद पर कायम रहना है तो तोड़ दीजिए सारे रिश्ते नाते, मेरा भी गला घोट दीजिए, खत्म कर दीजिए मुझे, खत्म कर दीजिए मुझे। कुदरत ने आंसुओं में गूंद कर किस मिट्टी से बनाया है तुझे, जो दीमक की तरह तेरी हर खुशी को चाट गए, तू आज भी उन्हें अपना समझती है। अजी बेटी, तू कितने अजीब है मेरे को। तुम लोगों का क्या ख्याल है कि मैं अपनी बेटी की दवा के लिए तुम लोगों के सामने हाथ फैलाऊंगा? भाई मोहम्मद हुसैन, भाई मोहम्मद हुसैन, आप इस वक्त खैर तो है? हाँ भाई, मैं ये किताबें तुम्हारे हाथ फरोख्त करना चाहता हूँ, ये मेरी जिंदगी भर का असासा है। आपको जरूरत पड़ी मास्टर जी? क्या बताऊँ भाई, मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं कराती भाई। मेरी बेटी बीमार है, उसकी दवाई के लिए पैसे चाहिए। आशी बेटे, मैं क्या करूं बेटा, जिसे तुम याद कर रही हो और न जाने कहां खो गया है। नासिर मियां, यह है तुम्हारा नया घर, कहो कैसा है? लवली लवली, बहुत अच्छा घर है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी। हाँ चलो, तुम्हें घर तो पसंद आ गया। हे,
इसमें इसका पसंद का क्या जरूरी थे बाबू? अपन को पसंद है तो सबको पसंद है, एकदम फौस खिलास करे। क्या ख्याल है, खरीद लिया जाए? अरे क्यों नहीं खरीदेगा, एकदम खरीदेगा, बाय ऑल मींस खरीदेगा। अभी अपन तेरे को बोलता है हीरो, अभी तेरे को 19-20 पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं, इससे भी बड़ा वाला घर खरीदेगा, फिर तेरे को उधर शिफ्ट करेंगे, अपन इस घर में रहेगा, और जब अपन एक्टर बनेंगे नहीं तो डायरेक्ट साला बापडा हाउस को खरीदेगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ओ, मेरा आइडिया पसंद किया अंकल। इधर तो टेलीफोन भी बोलता पड़ा ही नहीं। नासर मिया, तुम्हारा फोन। मेरा फोन? जी। हेलो। नया घर मुबारक हो नासिर। थैंक यू। लेकिन आप कौन है? पहचानिए तो भला, मैं कौन हूँ? माफी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। बड़े अफसोस की बात है, आप तो कहते थे कि मेरे बड़े जबरदस्त फैन रहे हैं, और अब आवाज तक नहीं पहचानते। हो मैडम मुमताज, आई एम सो सॉरी, मैंने वाकई आपकी आवाज़ नहीं पहचानी। अब मगर आपको ये नंबर कैसे मालूम हुआ? देख लीजिए, ढूंढने वाले कयामत की नजर रखते हैं। अच्छा सुनिए, आर्ट कौंसिल में एक चैरिटी शो हो रहा है, मैंने आपकी तरफ से वादा किया है आपको उस शो में गाना होगा। क्यों, गाएंगे ना? अरे मैडम, आप गए और हम ना गाएं। वैसे आप वहाँ आएंगी ना? आऊंगी क्या, मैं आपका साथ भी दूंगी। वो कैसे है? आप गाएंगे और मैं रक्स करूंगी। मैडम, आपका रक्स हमारे गाने को चार चांद लगा देगा। सबको दिखाता जाऊं,
हुस्न शायर की गजल है, प्यार का ताज महल है, तुझको छूले जो हवाएं, थाम के दिल रह जाए, थाम के दिल रह जाए। वो ऐसे लहराए गोरी, जादू बिखराए गोरी, मुख मोड़ मोड़ के लाल चुनरिया ओढ़ के, प्यार से नाता जोड़ के, पायल छनकाए गोरी, काहे शर्माए गोरी, मुख मोड़ मोड़ के लाल चुनरिया ओढ़ के, प्यार से नाता जोड़ के। Sa ga 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 ma 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 pa ma ga, ga ma pa ga ma pa ga ma pa, pa ni ni ga ma pa ni sa, sa za ni sa ni ni pa ni 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 pa ni, sa za ni sa ni ni pa ni 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 pa ni ga ma pa ni pa ma pa ni sa de ga. अरे नहीं नहीं नहीं, बलवा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप लोग ऑटोग्राफ लेने के वास्ते आए या राशन लेने के वास्ते? ये आर्टिस्ट लोग हैं, कोई डिपो नहीं है। अरे बारी बारी चलो चलो, बारी बारी चलो, लेडीज फर्स्ट। ये ऑटोग्राफ बुक है, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। मिस मुमताज, आप नासिर साहब को अपने साथ हीरो कास्ट क्यों नहीं कराते? ये आपके साथ बहुत जचते हैं। इनके लिए हीरो बनना कौन सा मुश्किल है। ठीक है, आप लोगों ने ऑटोग्राफ ले लिया, रास्ता छोड़ो 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 छोड़ो, तुम आ जाओ। प्लीज 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 छोड़ो छोड़ो, रास्ता छोड़ो। ए जोसेफ, आप प्लीज गाड़ी आप चलाएं। हेलो हेलो, ए रजिया, ए समीना, इधर देखो कौकर, इधर अपन को देखो ना बाबा। अरे सर, अरे साला अपन को इधर सो गया, अरे अपन साला, अरे अपन को इधर छोड़ गया। सलाम बीबी। वालेकुम सलाम। खाना लगाऊं? अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद आइए। आपके साथ और कौन रहता है? कौन से मुराद? मेरा मतलब है मम्मी डैडी, बहन भाई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है नासिर, एक अपाहज बाप थे जिनके इलाज के लिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, मगर वो 6 दिन देखने से पहले ही फौत हो गए। अब तो अकेले रहने की आदत सी पड़ गई। आइए ये कृषि साहब, खैरियत तो है? खैरियत कहाँ है ममताज बेगम, प्रॉब्लम हो गया है। हीरो ने अचानक डेट कैंसिल कर दी है, वो विलायत जा रहा है। अगर वो चला गया तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैंने रिलीज डेट लिख कर दी हुई है। ये तो वाकई बड़ी परेशानी की बात है। आप उससे बात कीजिए, वो आपकी मानता है। मैं उससे क्या बात करूँ, वो तो वैसे ही बहुत मकरूर है। आप एक काम कीजिए। क्या? आप उसे कट कर दें। कट कर दूं? भाई मसला ये कि उससे कट करके किसको लूं? आप नया हीरो ले लें। नया हीरो? अरे भाई इतनी जल्दी नया हीरो मिलेगा कहाँ से? क्यों नहीं, आप इधर देखें, नासिर आपके हीरो की जगह ले सकते हैं। जी जी, आप मैं सिंगर ही रहने दीजिए। आप सिंगर भी रहेंगे? क्यों, कैसे? माशाल्लाह, देखने में तो ठीक ठाक है, सूरत भी अच्छी है, लेकिन डायलॉग बोलने में। बोलना बोलना आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप डन कीजिए। आप कहती है तो डन, बल्कि मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लीजिए नासिर साहब, आप तो हीरो बन गए, आप तैयार हो जाइए, आपका दूसरा इम्तिहान शुरू होने वाला है। वैसे शूटिंग कब से है? शूटिंग कल से, सेट बिल्कुल रेडी है। सीन 4 शॉट 1 टेक 1। मैं तुम्हें हर कीमत पे अपनाऊंगा फरजाना। यस
सारी दुनिया की दीवारें तोड़ दूंगा। ना बाबा, मुझे डर लगता है। बाबू लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। मुबारक हो नासिर मियां, मैंने कहता था तुम पूरी इंडस्ट्री पे छा जाओगे। और मुबारक हो भाई हीरो। और तनु मुबारक भाई यार। अभी अपन का सगीर दे बाबा, अपन का सगीर दे। अच्छा, अभी ये एक्टिंग बहुत अच्छा वाला किया, लेकिन अपन तो इससे भी अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं। बताओ। अभी तेरे को एक ट्रेजेडी सीन करके बताएंगे नहीं। माँ छोड़ा यार, एक डायलॉग आता है तुमको माँ का, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। माँ मरा हुआ है, बता कहीं जाती है। पिक्चर मत देखा करो ज्यादा। माँ और भाई साहब आपको चाय चुप लाओ। आप भी आ जाओ। हाँ जी आए, डायरेक्टर साहब आप भी आ जाए। अरे बहुत कमाल किया अभी। पानी पानी नजमा अम्मी अम्मी नासिर हीरो बन गया अम्मी, तभी तो इतने पैसे भेज रहे। आहिस्ता बोल कंपा, वो चुड़ैल सुन लेगी तो जान को आ जाएगी। लगता तो नासिर ही है, मगर हो सकता है उसका कोई हमशक्ल हो। बहन, मुझे जरा सब पानी पिला दो, मेरा दम घुटा जा रहा है। खुद जाकर पी लो। खबरदार जो किसी शीशे के गिलास को हाथ लगाया, आज से तुम्हारी हर चीज अलग कर दी गई है। भाई एहतियात बहुत जरूरी है, चल बेटी। बाबूजी, आप खूब इज्जत बढ़ा रहे हैं मेरी। मेरी नजर में जूते पॉलिश करना रिश्वत की कमाई से बेहतर है। ओहो, कुछ तो सोचिए, लोग क्या कहेंगे। तुम भी नजमा की तरह लोगों से कह दो मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। आपने मुझे जलील करने का अच्छा अंदाज ढूंढा है। नहीं बेटे, जिंदा रहने का ठीक बोलता है। अपन का दिमाग खराब नहीं करे बाबू लोग, वो
उस थाना नासिर के डेट अपन के पास नहीं है, अपन तेरी को उसका डेट कैसे दे देंगे बाबा? अपन क्या करें, अपना खुद उधर सेट लगा पड़ा है। सेट लगा पड़ा है? अरे बाबा तुम अपन को साइन क्यों नहीं करता है? अच्छा तो आप भी एक्टर है? अरे बहुत बड़ा एक्टर है बाबड़ो। क्या बोलती है, बहुत बड़ा एक्टर है अपन, ये सब नासिर साला को अपन का शागिर्द नहीं। अब अपन तो मार्लन ब्रांडो को कुछ नहीं समझते। अच्छा अच्छा बोलते हैं। अभी देखो अभी तुमको एक छोटा सा नमूना दिखाएगी नहीं एक्टिंग का, ठीक है? तुम हीरोइन बनो, मैं हीरो बनकर तेरे लिए दुपट्टा लेके आता हूँ। नहीं देर हो जाएगा, देखो तू हीरो नहीं, ठीक है? पारो अरे मैं तेरे के पीछे बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ। तेरे बाप से मैंने 2 साल जूता खाया नहीं, बहुत जूता खाया। मेरे सर का बाल उड़ गया है, मेरे सर का बाल उड़, ठीक है? अभी देखो एक और एक्टिंग तेरे को बता दे, उधर से उसका बाप भी आते ही नहीं, वो आके पकड़ेगा। आए खग्गे तू मेरी तीनों किधर लाया है? ये देखो ये एक्टिंग उसका बाप है, ठीक है? अभी ये बूढ़ा था, अभी देखो तेरे को एक बादशाह का एक्टिंग दिखाएगा। ये सामने बादशाह बैठा है, उधर से एक सवाल आता है, उसको रिक्वेस्ट करता है बाबा लोग, देखो जालम पना जलीले सुभानी, अरे अपन को माफ करो बाबा, ये थोड़ा अलमी एक्टिंग। अरे जानी साहब हमको तो नासिर की डेटे चाहिए। अरे अभी तेरा सुई उधर डेट के ऊपर आ रहा हुआ है, अपन तेरे को बोलते कि नासिर साला का डेट अपन के पास नहीं है, नहीं उसका डेट लेना, जाओ मुमताज के पास, उसका डेरी भी है, डेट भी है, जाओ लो। जो तुझसे कहना है वो सबसे छुपाना है, बस बात है इतनी सी, दिल में प्यार बसाना है। रे मेरे साथी आ, मेरे साथ आ, रे मेरे साथी तू मेरे साथ। प्यासा है मेरा, दिल की प्यास बुझाना है, हर मोड़ पे अब तूने मेरा साथ निभाना है। रे मेरे साथी आ, मेरे पास आ, रे मेरे साथी तू मेरे साथ आ। प्यार की मेहंदी को हाथों पे रचाना है, चाहत के रंगों से मेरी मांग सजाना है। रे मेरे साथी तू मेरे साथ आ, रे मेरे साथी तू मेरे साथ।
नासिर, जब तक तुम नहीं मिले थे मैं अकेली थी, मुझे अपनी तन्हाइयों से प्यार था। जब से तुम मिले हो मुझे तन्हाइयां टसने लगी हैं। अब हमें, जब तक मेरी दोनों बहनें अपने घर की नहीं हो जाती मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकता। तो तुम बुला लो अपने घर वालों को। मैंने कसम खाई थी जब तक कुछ बन नहीं जाता अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अच्छा तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी मुमताज। ये कौन है भाई? ये नया हीरो नासिर है बाबा, अगले हफ्ते इसकी फिल्म रिलीज हो रही है। नासिर, मेरा बेटा हीरो बन गया। ये एक पोस्टर मुझे दे दोगे भाई? हाँ हाँ क्यों नहीं। नासिर हीरो हो गया है। आशी, यार था वो भी चला गया, पर तुम किस वास्ते रोते हैं बेटा? जब तक तुम्हारा खान बाबा जिंदा है तुमको रोने का जरूरत नहीं है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान और उदास हो, बात क्या है? हर वक्त अब्बू और आपकी की तरफ ध्यान लगा रहता है, खुदा जाने किस हाल में। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से, पहले मेरे सुहाग को खा गई अब किसी और को खाएगी क्या? खुदा के लिए मुझे इस घर से न निकाली, मुझे अपने कदमों में पड़े रहने दीजिए अम्मी। हाँ, बार बार जो तूने मुझे अम्मी कहा, पहले तूने अपनी माँ को खाया अब मुझे खाएगी क्या? तुम बाहर निकल जा यहाँ से। मनहूस नहीं, तेरी शक्ल देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। ना तो बीमार पड़ती और ना खुदा बदल की ठोकरे खाते, ना मौत के मुँह में जाकर निकल जा यहाँ से। चुप हो जाए अम्मी, खुदा के लिए मुझे अब्बू की मौत याद ना दिलाए, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। मैंने हमेशा आपको अपनी अम्मी और अख्तर नजमा को अपना सगा बहन भाई समझा है, मैंने अपनी हिम्मत से ज्यादा आपकी खिदमत की है अम्मी। खुदा की बीमार, तू क्या हमारी खिदमत करेगी? अख्तर क्या कब था कमाने वाला जो हम तेरी कमाई खाते? मैं कहती हूँ निकल यहाँ से। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, ये मेरे अपनों का घर है। अब तेरा यहाँ कोई अपना नहीं है, जो था वो मर चुका। मैं कहती हूँ निकल यहाँ से। मनोज बाबा, बाबा, बाबा। ओ यजीद का बच्चे, खुदा से डरो, इस मजलूम पर इतना जुल्म मत करो, नहीं तो खुदा तुमसे ऐसा इंतकाम लेगा कि तुम जिंदगी भर याद रखेगा। कोई तुम्हारा वजह से हमारा यार मर गया, इसका भाई घर छोड़कर चला गया, अभी तुम इस गरीब पर भी इतना जुल्म करते, इसको निकालते हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा दोस्त इस घर में जिंदा नहीं है ना इसका बाप। अगर तुम्हें इससे मोहब्बत है तो ले जाओ इस दोस्त को अपने साथ। अच्छा अच्छा ले जाएगा, अभी हम इसका बाप है, लेकिन तुम एक बात याद रखो, तुम इस फरिश्ते के ऊपर जुल्म किया है, खुदा तुमको कभी माफ नहीं करेगा। उसका लाठी बे आवाज है, इंशाल्लाह तुम भी एक दिन बहुत ख्वार होएगा। आओ बेटा इस जन्म से निकल जाए। अच्छा। बड़ा आया मुझे नसीहत करने वाला। मेरा भैया जो असम लेकर गया था वो बन गया है खान बाबा, अब जितनी जल्दी हो सके आप मुझे उसके पास ले चले। तुम फिक्र नहीं करो, हम कल लौट जाएगा।
लो पियो। सोचती हूँ एक नजर अख्तर को और नजमा को भी देख लो, उन्हें मैंने बड़े प्यार और आरजुओं से पाला है। खबरदार जो तुमने कभी उनका नाम लिया, वो इंसान नहीं शैतान है। बहुत अंधेरा है, विकी लाइट ऑन करो ना प्लीज। ओके, एक नहीं तीन लाइटें ऑन करूंगा। चीखों की आवाज नहीं आ सकती, जितना मर्जी चीखो, जितना मर्जी चिल्लाओ। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हम तुम्हें बेवकूफ बनाने की सजा देना चाहते हैं। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। माफी कैसी? आज तो तुम्हें वक्त से ज्यादा तेज भागने और औकात से ज्यादा ऊंचा उड़ने की सजा। मुझसे चला नहीं जाता। तुम तक जाएगा तो फिर नासिर को कैसे ढूंढेगा बेटी? ओ भाई, तुमको पता है वो नासिर किधर रहता है? कौन नासिर? वो फिल्म में काम करते हैं ना। माफ कीजिए, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मेरा बहनी जाओ। अभी क्या करेगा बेटी? नासिर मेरे भाई, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरे सपने हो। Thank you.
पत्नी। दस मिनट के। देखिए ये हमारा घर। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। गौर से देखिए आप भी, हमने जो ख्वाब देखा था ये घर उसकी ताबीर है या नहीं। ये कालीन, ये पर्दे, ये टीवी फ्रिज वही है ना इनका तस्वीर हमने किया था। कालीन में पर्दों का रंग वही है जो आपने सोचा था। हाँ, सब कुछ वही है, बिल्कुल वही भैया, किसी चीज की भी कमी नहीं। खान बाबा हमारे ख्वाब पूरे हो गए, हमारे ख्वाब पूरे हो गए। आप ही इधर आइए ना। ओ खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारा गुलबाणों का चेहरे पर भी। और ये है आपका कमरा, मैंने हर चीज आपकी पसंद के मुताबिक बनवाई है। अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। इधर आइए आपको कुछ और दिखाता हूँ। आपी अब ये सब कपड़े मैंने आपके लिए बनवाए हैं। आपी और ये हैं आपके जेवर, और भी बहुत सारे हैं, दिखाता हूँ आपको। कैसे है? और आपी ये हार आपके लिए, जब आप जी पहनेंगे ना कितनी तहे लगेंगी। दांत ही देंगे अपने भैया की पसंद की। हाँ भैया, दांत भी दूंगी और दिल से दुआएं भी निकल रही हैं। इन बहनों के भाई तुम जैसे हो, उन्हें दुनिया की हर खुशी क्यों ना मिले, क्यों ना मिले। और ये सब कमाल उन थप्पड़ों का जो अक्तर के कपड़े पहनने पे आपने मुझे मारे थे। भूल की सजा तो दिन मिल गई थी, माफी आज दे दे। अरे नहीं नहीं भैया, आए आए। क्या हुआ थे? क्या हुआ थे? पता नहीं भैया, पता नहीं, दर्द उठता है, बहुत शदीद उठता है भैया, जान निकल जाती है। भैया खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है, घबराओ नहीं। आप घबराए ना, मैं भी आपको फोन करता हूँ। भैया हेलो डॉक्टर। मिस्टर नासिर आपकी बहन को कैंसर है। डॉक्टर बस अब तुम जल्दी से हमारी भाभी बन जाओ ताकि नासिर की उदासी भी खत्म हो जाए। जनाब का अपनी तन्हाइयों के बारे में क्या ख्याल है? अरे मैं तन्हा कहाँ रहूंगी, नासिर होगा, तुम होगी और तुम्हारे बच्चे। भैया क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या कहा डॉक्टर ने? उसने कहा कि मामूली सा दर्द है। अभी अपन को डॉक्टर लोग बोला कि तुम लोग का सिस्टर बिल्कुल बिल्कुल डरपोक है, डरपोक छोटा वाला हार्ट का सिस्टर है, छोटा वाला। मैं तो समझी थी कहीं मुझे कैंसर वैंसर ना बता दिया हो। ओ माय गॉड, तौबा तौबा करो अल्लाह से, जबान से ऐसा बात मत निकालो। देखो भैया अब मैं मरना नहीं चाहती। खुदा ना करे अभी। क्यों खान बाबा, बहुत दुख सहने के बाद खुशियां मिली हैं और अब मैं मर जाऊं? नहीं ओ नहीं नहीं गुलबानो, तुम्हारा दुश्मन मरेगा, तुम हमेशा हमारे नजर के सामने जिंदा रहेगा। ये रुतुती हो जाए। अरे नासिर खान, अरे तुम बच्चों की तरह रोते हैं। अभी तुमको मालूम है डॉक्टर ने बोला सब ठीक है तो बस ठीक हो जाएगा, हिम्मत करो। हिम्मत कहां से लाऊं खान बाबा, मेरा तो कलेजा फट जा रहा है। ऐसा क्या बात है? डॉक्टर ने कहा है कि आप ही को कैंसर हो गया। तौबा तौबा करो, ऐसा बात मुंह से मत निकालो, अल्लाह से तौबा करो, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर झूठ बोला है, हमारा गुलबाणों को कैंसर नहीं हो सकता, उसको कैंसर नहीं हो सकता,
अल्लाह के दरबार में ये नाइंसाफी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? ये तो उसका आराम करने का दिन था। ओ खुदाया, हम अब बूढ़ा हो गया है, दुनिया को हमारा क्या जरूरत है? उसका बीमारी हमको दे दे, उसका तकलीफ हमको दे दे, लेकिन उसको शिफा दे दे। खान बाबा, डॉक्टर की राय गलत भी हो सकती है। खुदा तुम्हारा जबान मुबारक करे बेटा। हौसला हारने से कुछ नहीं होगा, हम और डॉक्टरों को भी दिखाएंगे, अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। मेरा दिल कहता है आप ही ठीक हो जाएंगी। आमीन, खुदा तुम्हारा दुआ कबूल करे। कुछ तो है, वरना मैंने पहले तो तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। एक फिल्म की शूटिंग है, उसकी रिहर्सल कर रहा था। बहन की बीमारी की वजह से अब भाई परेशान होता है। तुम भी तो मेरी बीमारी की वजह से परेशान हो। नहीं तो आखिर ये डॉक्टर्स बार बार मेरा मुआयना क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ अभी? अभी? क्या? खुदा खैर करे, आज बहुत प्यारा रहा है अभी पर। कहीं हमारी होने वाली भाभी ने शादी का वादा तो नहीं कर दिया? अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? लीजिए, कितनी बड़ी उम्र है, याद किया और आ गई। भाई कहाँ रह गई थी आज आप? जनाब आपके दर्द ने सता रखा है, इसीलिए आज एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट को लेकर आई हूँ। डॉक्टर साहब अंदर आ जाइए। उम्मी, हेलो आदर्श। हेलो नासिर। के बाद क्या क्या कयामतें टूटी है मुझ पर। तुम तो शिकायत ले आई जबान पर आशी, लेकिन मैं क्या बताऊं तुम्हारी दूरी में मुझ पर क्या क्या कयामतें टूटी हैं। वो तो मेरी सच्चाई और तुम्हारी याद थी जो मैं जिंदा हूँ और तुमसे मुलाकात हो गई। वादा करो अब कहीं छोड़ के नहीं जाओगे। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा आशी, लेकिन अगर तुम कहीं चली गई तो। मैं चली गई कहाँ? दूर, बहुत दूर। डॉक्टर मेरी बात सुनिए। नहीं डॉक्टर नहीं, आप अभी कुछ नहीं बताएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को मालूम हो कि वो कैंसर के मरीज है और चंद दिनों की मेहमान है। नहीं, कह दो ये झूठ है, खुदा के लिए कह दो ये झूठ है। भैया भैया मुझे अपने से जुदा ना होने दो, खुदा के लिए मुझे बचा लो भैया, अब मैं मरना नहीं चाहती। भैया मुझे बचा ले भैया, खान बाबा अब मैं मरना नहीं चाहती। खान बाबा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जीसस क्राइस्ट, अपन जिंदगी में कभी तेरे से कुछ नहीं मांगा। सिस्टर आशी को जिंदगी दे दे बाबा। ओ गॉड, चाहे अपन का जिंदगी ले ले, उसको जिंदगी दे दे। अपन तेरे से कभी कुछ नहीं मांगा। ओ गॉड, कभी कुछ नहीं मांगा तेरे से, अपन कभी तेरे से कुछ नहीं मांगा। Thank you.
या खुदा, तुमने हमारा एक गुलबाणो चीना है, अभी हम पर रहम करो, हमारा दूसरा गुलबाणो हमसे मत चीनो। अगर उसका जिंदगी खत्म हो गया है तो हमारा हाथ जिंदगी का हिस्सा भी उसको दो। हमको जिंदा रखा है तो हमारा दूसरा गुलबाणो हमसे मत चीनो, हमारा गुलबाणो हमसे मत चीनो। बहाना नहीं चलेगा, दवा तो आपको पीनी ही पड़ेगी। अपी, अपी, बोलिए ना, अपी, नासिर, कौन बाबा, नासिर, नासिर, अपी हमें छोड़ के चली। अपी, अपी, अपी। जनाबे वाला, हम अभी मरने वाले नहीं, बल्कि हमने आप सबको बेवकूफ बनाया, इसलिए कि आज अप्रैल फूल डे है, यानी अप्रैल की पहली तारीख। कौन सा फूल? गोभी का फूल। अपी, आपने सब लोगों को परेशान कर दिया था। प्यारे भैया, तुम तो परेशान होते हो, मैं अभी नहीं मर सकती जब तक तुम्हारे सर पे सेरा न सजा लूं। बस अब तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। नहीं आपी, पहले हम आपकी शादी करेंगे। मुझसे शादी कौन करेगा, मैं तो अब मौत की मुंतजिर हूं। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, बस आप ही की कमी थी। देखिए, हमें कोई सीरियस बीमारी ना बता दीजिएगा, हम सबको मालूम है आज 1 अप्रैल। अरे आप तो पहले से बहुत बेहतर हैं। अगर इसी तरह विल पावर से काम लेती रही तो बीमारी शिमारी सब दूर हो जाएगी और आप सेहतयाब हो जाएंगे। अजी, विल पावर के तो हम मास्टर हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ। खुदा का शुक्र है हमारा गुलबाणो ठीक हो गया। नासिर बेटा आओ, मिस्किनों को खाना पानी का इंतजाम करेगा। आओ। डॉक्टर साहब, आप क्या पीजिएगा? जी कॉफी, ब्लैक कॉफी। मम्मी आप? नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ, वरना तुम भी इस सजा में मुब्तला हो जाओगे। मुझे मेरी ये की सजा मिल चुकी है। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं होता। वो अख्तर नजमा कहाँ है? नजमा ने खुदकशी कर ली और अख्तर कत्ल के जुर्म में जेल जा चुका है। ओह मम्मी, आप अंदर आइए, आइए आइए। ओ खुदाया, तू ठीक इंसाफ करता है, या अल्लाह। अभी अभी देखिए कौन आया है। अम्मी, आप नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ, वरना तुम भी इस अजाब में मुब्तला हो जाओगी। बेटी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे अपने अमालों की सजा मिली है बेटी, शायद मैं अब तक इसलिए जिंदा हूँ कि तुम्हारे कदमों में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं। अम्मी, खुदा के लिए मुझे गुनाहगार ना कीजिए, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं बेटी, मुझे माफ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मुझे मौत भी नहीं आएगी। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा ना कहिए, मेरी उम्र भी आपको लग। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं अम्मी, दुआ देते देते कुछ याद आ गया, मेरी उम्र है ही कितनी। नासिर, नासिर, क्या बात है? आशी तो ठीक है ना? हाँ डॉक्टर भैया। अरे
तुम रो रहे हो? अपनी बहन की किस्मत पर रोने के सिवा ये बदनसीब भाई और कर भी क्या सकता है? कितनी दुख की बात है कि आज जब मेरी आपी की जिंदगी के चंद सांस बाकी रह गए हैं तो किस्मत ने दुनिया की खुशी उनके कदमों पे लाके फेंक दी। भैया मैं कितना बेबस हूँ कि मैं उन्हें स्वर्ग चूड़ा पहनाना चाहता हूँ, लेकिन वक्त उन्हें कफन में लपेटना चाहता है। नासिर, आशीष सुर्ख चूड़ा जरूर पहने, लेकिन कैसे? ऐसी हालत में कौन शादी करेगा? मैं शादी करूंगा आशीष से। भैया हाँ नासिर, मेरी भी जिद है, इस सर पे सेहरा सजेगा तो आशी के नाम। इस इंतजार के कैंसर ने मुझे भी मौत के दरवाजे पे ला खड़ा किया है। वक्त का तकाजा है नासिर कि ये शादी कर लिए। आमिर भैया। नासिर भैया क्या हुआ? अभी अभी यहाँ कोई आया था? नहीं तो यहाँ तो कोई नहीं आया। अभी अपन इधर खड़े खड़े आपके जागने का बहुत इंतजार किया। अभी आपने हाथ देखा होगा। ख्वाब? हाँ खुदाया कितना भयानक ख्वाब था। ये क्या है? ये मेरी आरजू है, ये सुर्ख जोड़ा पहनकर आपको दुल्हन बनना होगा। आज आपकी शादी है ना? मेरी शादी? पगले, मेरी शादी तो अब मौत से होगी। नहीं अभी, ऐसा मैंने उस लश अपने से बांध रहने का लिया है। आज खुशी का दिन है, मेरी खातिर आपको ये जोड़ा पहनना होगा। आपको मेरे सर की कसम। नासिर। सिस्टर, ये खाली नासिर को रिक्वेस्ट नहीं है, अपन का भी रिक्वेस्ट है, आपका छोटा भाई का रिक्वेस्ट। खुदा के लिए इनकार ना कीजिए, मेरी खुशी की खातिर। तेरी खुशी तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है भैया, इसे मैं अपनी आखिरी सांस तक पूरा करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है। क्या भी? विदाई तू गाएगा। विदाई? हाँ हाँ, मैं अपनी बहन की विदाई जरूर गाऊंगा, जरूर गाऊंगा। सज गई दुल्हन सपने हो।
तुमसे भर तुमसे प्यारा कोई नहीं है और हमारा कोई नहीं है तुम मेरे अपने हो तुम मेरा जीवन हो तुम मेरे सपने हो सारी कायनात आपके हवाले कर दी है। शुक्रिया नासिर भाई, इस कायनात को अपनाना मेरी जिद थी, वो पूरी हुई। अब एक जिद और है कि जीऊंगा तो इनके साथ और मरूंगा तो इनके साथ। मैं कल इन्हें साथ लेकर अमेरिका अप्लाई कर रहा हूं। आशी की जिंदगी बचाना नामुमकिन नहीं। आप सब दुआ कीजिए। अपन भी तेरे लिए वो दुआ करेगा नहीं कि अमेरिका जाते ही आपको गॉड 9-10 बच्चे दे दे।